देश में जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इंदौर में 8 जून को किसानों की योजनाओं को लेकर किसान समर्थन मार्च निकालेंगे। निकलने वाले मार्च में किसानों के साथ मौजूद रहने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि लगभग 10,000 किसान इंदौर के चिमनबाग से कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे। विजयवर्गीय का यह आयोजन राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक बहुत अच्छी किसान रैली निकाल रहे हैं और उसमें मुझे लगता है कि इंदौर में अब तक का सबसे बड़ा किसानों का समागम होगा। वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रति अपनी सहृदयता प्रकट करेंगे। देखिए, किसान का समस्या है, वो एक दिन में कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये पॉलिसी है, पॉलिसी मैटर। पॉलिसी का लाभ एक साल में कम होता है, दूसरे साल में ज़्यादा होता है, तीसरे साल में और ज़्यादा होता है, चौथे साल में और ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं, इन 15 वर्षों में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट बढ़ी है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देश के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ। यदि किसानों को सही भाव मिल जाता तो आज सबसे संपन्न किसान हमारा होता। पर मेरा दावा है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का किसान आने वाले 5 वर्षों में सबसे संपन्न किसान है, क्योंकि हमारी जो नीति है, हमारे निर्णय, हमारी जो पॉलिसी है, वो पूरी की पूरी प्रो किसान, किसान के हित में लिए गए निर्णय।